फ्रेंड्स, आप सभी का शर्मा निटिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 10 से लेकर 13 14 साल तक के बच्चे का स्वेटर लेके आई हूँ, क्योंकि ये नई ऊन है। ये अभी 10 साल का बच्चा पहनेगा, फिर ये अपने आप लूज़ होती चली जाती है, तो ये 13 साल तक का बच्चा आराम से पहनेगा, नॉर्मल बच्चा। अगर ज़्यादा हैवी है तो थोड़े से फंदे ज़्यादा। ये देखिए, तीन प्लाई वाली ऊन है ऐसी। ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, थोड़ा सा कलर डिफरेंस आ रहा है, लेकिन है ये येलो कलर। आज मैं इसका फुल मेजरमेंट लेके आई हूँ, कितने फंदे मैंने कहाँ डाले हैं और कैसे ये डिज़ाइन बनाया है और कितनी इसकी लंबाई है। ये देखिए, इसमें बॉर्डर में मैंने 80 फंदे डाले हैं, 82 बॉर्डर में 82 हैं, और इसमें बॉर्डर के बाद 2 इंच का बॉर्डर बुना है। उसके बाद यहाँ बॉर्डर के बाद मैंने 87 फंदे कर दिए हैं। फिर ये डिजाइन डाला है 2 कलर का, ये डिजाइन की आज वीडियो बताएंगे कितना बना है। अब इसकी लंबाई देखिए, इसके कंधे से नीचे इसकी लंबाई 15.5 इंच है, ठीक है, और कंधे के बाद फुल लंबाई इसकी 22.5 है, 22.5 इंच इसकी फुल लंबाई है, और कंधे से नीचे 15.5 है। देखिए, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग इसमें 1 या 2 इंच बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कोई कोई बच्चा थोड़ा हेल्दी होता है, उसकी बड़ी होती है, थोड़े से फंदे 2 फंदे बढ़ जाते हैं। और इसका देखिए लेंथ, इसकी चौड़ाई 16 इंच है, ठीक है। इसे मैंने 15.5 इंच बनाने के बाद, 15 इंच बनाने के बाद इसका मैंने पहले ये अलग अलग करके पट्टी बनाई है, यहाँ से अलग अलग किया है। अलग कैसे किया है, सारा यहाँ से यहाँ तक जब बुन के ले आए, मुद्दे नहीं घटाए हमने, उससे 0.5 इंच नीचे आधे आधे फंदे लिए और बीच में सेंटर में हमने ये पट्टी बनाई, ठीक। जब पट्टी की 6 सिलाइयाँ हो गई, उसके बाद हमने कंधे घटाए हैं। कंधे घटाकर कंधों का वैसे घटाना है जैसे हर स्वेटर में होता है, 5 3 1 1 1 ऐसे घटाया है। आगे के पेच में 5 3 1 1 ऐसे ही इधर 5 3 1 1 यहाँ का घटाया। अच्छा, कंधे तक की इसकी लंबाई कितनी है, 7.5 इंच इसकी लंबाई है कंधे तक। और ये गला जो है, ये देखिए, ये 4.5 है, 4.5 इंच का गला है। घटाई इसकी वही है पट्टी के बाद, पट्टी पहले 7 फंदे पट्टी के हैं, उसके बाद 5 3 1 1 1 1 करके जब जितने फंदे हमें कंधे पर रखने हैं, जब उतने फंदे रह जाएं तो हमें इसे हमने रोक दिया है, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पीछे का देखिए, पीछे का सेम वही है, उतने ही फंदे हमने नीचे डाले हैं जितना आगे वाले में, वैसे ही हमने बनाया है, वैसे ही डिजाइन डाला है, सेम वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है कि यहाँ मैंने कोई भी फंदा घटाया नहीं है, जितने फंदे नीचे से गए हैं उतने ही हैं, ठीक है। अब आई आस्तीन, ये देखिए आस्तीन, आस्तीन की लंबाई यहाँ पर 17.5 है नीचे, नहीं सॉरी 18 है देखिए, और यहाँ पर 20.5 है, ऊपर 20.5 है और नीचे यहाँ पर 18 है। इसमें हमने यहाँ पर हमने 42 फंदे डाले हैं, और एक फंदा यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया, एक यहाँ बढ़ाया, हर जब नीली पट्टी हमने शुरू एंड की है तब एक एक फंदा हमने यहाँ तक बढ़ाया है, उसके बाद फिर 5वीं 6वीं सिलाई में बढ़ाया, फिर लास्ट में आकर यहाँ से यहाँ तो 5वीं 6वीं में बढ़ाया, यहाँ से 7वीं और 8वीं बढ़ाया। जब ये फंदे 78 फंदे जब यहाँ पर हो गए, तो हमने इसे घटा के बंद कर दिया है। आज ऐसे ही हमने दूसरी आस्तीन को बनाया है। अच्छा, अब इसके गले में, गले में इसके फंदे बहुत कम है, देखिए हम फिर से दिखाते हैं आपको, सामने गिन के बताते हैं। 7-8 फंदों की तो ये पट्टी है, आठ फंदों की पट्टी है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे आगे हैं पट्टी के अलावा, 19 ही फंदे इधर हैं पट्टी के अलग, ठीक है। और ये पीछे के 17 18 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
के 19 फंदे यहाँ हैं और 19 ही फंदे यहाँ पट्टी छोड़ने के, और ये 22 फंदे हैं पीछे। और देखिए कितना प्यारा सा गला बनाया, छोटा सा, दो बटन लगाए हैं, ये होल बनाया है, दो बटन लगाए हैं। अब आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अभी मैं इसका डिज़ाइन भी आपको अपलोड करूँगी, कैसे बनाएंगे दूसरी वीडियो में बनाएंगे ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। ये डिज़ाइन बहुत ही सरल है और बहुत आसान है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये डिज़ाइन कैसा, मेरा स्वेटर कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा बताना आपको समझ में आया नहीं आया। अगर कोई कमी होगी तो मैं उसे सुधार करूँगी। और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ, इसका डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।